हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो फ्रेंड टीवी। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगी कि टोनर क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए, और मार्केट के टोनर जो इतने महंगे आते हैं उसके कंपैरेटिवली हम घर में इतना रीजनेबल अमाउंट में टोनर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोनर होता क्या है। ध्यान रहे कि टोनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपके स्किन के ओपन पोर्स होते हैं इसको क्लोज करता है। पहली बात, क्यों और कैसे। जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो क्या होता है, हमारे चेहरे के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब ओपन पोर्स होने की वजह से वो जो जितनी भी डर्ट होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारी जो डर्ट है वो हमारे स्किन पे लग जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैकहेड्स होने का और व्हाइटहेड्स होने का बहुत ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम टोनर लगाते हैं ताकि जब भी हम वो टोनर लगाएंगे आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, अपना मॉइस्चराइजर लगाना है, सनब्लॉक लगाना है, या फिर मेकअप लगाना है। तो हमेशा ध्यान रहे तीन चीज़ें। सबसे पहला स्टेप क्लिंजिंग, चाहे वो आप फेस वॉश करें किसी फेस वॉश से, या फिर आप क्लिंजिंग मिल्क लगा के वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होना चाहिए आपका टोनर। थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए मॉइस्चराइजर या फिर सनब्लॉक। अब हम बात करेंगे इसे बनाना कैसे है। 1 कप पानी को गर्म कर लीजिए और उसके अंदर 1 सैशे ग्रीन टी का डाल दीजिए। 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद आपकी ग्रीन टी रेडी हो जाएगी, सारे एसेंस पानी में आ जाएंगे। अब इसमें आपको एक आधा नींबू डालना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आपका ग्रीन टी टोनर रेडी हो गया है। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। जो मेन बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इसे ठंडा ही यूज़ करना है हमेशा अपने चेहरे पर, और आप इसे 7 से 10 दिन के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसे लगाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है। इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मेरा रहता है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं डायरेक्टली इसे अपने चेहरे पर स्प्रे करती हूँ, और पहले चेहरा वॉश करना है और उसके बाद ये स्प्रे करना है, और फिर कॉटन से इस तरह से अपने चेहरे पर क्लीन करना है। पहला स्टेप है ये, क्योंकि जितनी भी आपकी डर्ट है, इम्प्योरिटीज़ है, वो आपके कॉटन पे आ जाएगी। बची हुई इम्प्योरिटीज़ सभी आ जाएगी कॉटन पे। जब आपने क्लीन कर लिया तो उसके बाद आपको फिर से इसे अपने चेहरे पर स्प्रे करना है, और 10 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। तो उसके बाद जब आपका ये सूख जाएगा, ग्रीन टी टोनर आपके चेहरे पे सूख जाएगा, आपकी स्किन टोन हो जाएगी, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है या फिर सनब्लॉक लगाना है। तो हमेशा याद रहे 3 प्रोसेस, पहले क्लिंजर या फेस वॉश, उसके बाद टोनर जैसे मैंने लगाया 2 बार, और तीसरा स्टेप होगा आपका मॉइस्चराइजर या फिर सनब्लॉक। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। जो ग्रीन टी टोनर हमने बनाया है ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और इससे जो हमारे फ्री रेडिकल डैमेज होता है स्किन को, उसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है और रिजेनोवेट करता है। साथ ही साथ जो हमारे स्किन के जो एजिंग प्रोसेस होती है उसको डिले करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और हमारे बहुत सारे अच्छे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमने इसमें लेमन डाला है जो कि स्किन को लाइटन और ब्राइटन भी करता है, और दिन भर का जो पॉल्यूशन होता है उसे रिमूव भी करता है। इसलिए हम इसे दिन में 2 बार यूज़ करेंगे, और साथ में एक्ने और पिंपल्स जैसे इश्यू को भी रिजोल्व करता है। इन सभी बेनिफिट्स के अलावा इसका एक बेनिफिट और भी है, आप इस टोनर को अपने बालों में भी लगा सकते हैं। वो मैं बताऊंगी कैसे लगाना है। जब भी आप सिर धोने के लिए जाएंगे तो आपको उसे 15 से 20 मिनट पहले अपने बालों में अच्छे से इसे स्प्रे कर लेना है और मसाज देनी है, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से जैसे भी आप वॉश करते हैं वॉश कर लेना है। अब इसका बेनिफिट क्या है बालों के लिए, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये आपके बालों को शाइनी कर देगा, आपके जो स्कैल्प इश्यूज़ हैं लाइक जोराइसिस, एक्जिमा, डैंड्रफ, जो भी आपके इचिंग रहती है, जो भी आपके स्कैल्प इश्यूज़ हैं, ये उन सबको ठीक कर देगा और आपको एक अच्छे और शाइनी हेयर देगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमने जो टी बैग जो हमने यूज़ किया था इसे हमने फेंकना नहीं है, इसे हमने फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा आप इसे अपने आईज पे इस तरह से रख सकते हैं। ऐसा रखने से क्या होगा कि जो आपके जो ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी आंखों में आएंगे, मुझे क्लीन करना चाहिए इसे, वो आपकी आईज में आएंगे, आपके जो पफिनेस रहेगी, मीन्स आपको इसे लगा के छोड़ देना है, और जो आपकी जो पफिनेस आ जाती है, कई लोगों को आईज में पफिनेस आती है, वो ये ठीक कर देगा।
और इसे आपको आंखों में नहीं जाने देना है, ध्यान रहे, बस इसको रखकर 15 मिनट के लिए लगाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मुझसे पूछे, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।